हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरके किड ऑफिशियल। तो आज आम ये आलोचना करवा प्लस थ्री फर्स्ट सेमेस्टर जोटा कि तुमको कंपलसरी सब्जेक्ट ईसीसी वन एनवायरमेंटल स्टडीज जोटा कि तुमको प्रथम चैप्टर रही अच्छे परिवेश संबंध में। तो तुम ये परिवेश संबंध में थी गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और तार आंसर आज ये वीडियो माध्यम से खूब सहज सरल और ओडिया भाषा आलोचना करवा। तो तुमर ये चैप्टर रु मु ऑलरेडी कतोटी क्लास डिस्कशन कर सारी। जदि एपर्यंत तुम्हें मैंने से क्लास वीडियो देखिना तेज आम प्लेलीस्ट को जाकि देखने वे कि समस्त भिडर लिंक मुझे आई बटन कि डिस्क्रिप्सन देदेवि जाकि देखने वे। चैनल को जब नुआ हो आसी नुआ हो देखुं एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेज आग को यह शैक्षिक भिड देखापी आमर यही यूट्यूब चैनल आरके किड ऑफिशियल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने सहित ये भिडियोटी निज सांगसाथी सहित निश्चित सेयार करदे जहाँफल कि तुम सांगसाथी मैंने भिडियो किसी शिक्षा लाभ करें। तो चलत भिडियो बेस किसी समय डेरी नक तुम ये एनवायरमेंटल स्टोरेज प्रथम चैप्टर जोटा कि रही है परिवेश संबंध में। तो तुम ये परिवेश संबंध में थी आउ गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट लम क्वेश्चन और तार आंसर फटाफट स्टार्ट करवा। तो आज आम आलोचना करवा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर वायुमंडल विभिन्न स्तर और उपादान संपर्क उल्लेख कर जोटा कि तुमको मार्क रही 10 मार्क लेखाए। तो यही लम क्वेश्चन और लम क्वेश्चन आंसर आज ये वीडियो माध्यम से खूब सहज सरल और ओडिया भाषा आलोचना करवा। तो वीडियोटी स्टार्ट करने आगे मुझे तुमको यह जानवाक चाहे मुझे जिते भी सब क्वेश्चन डिस्कसन करुच्चे सब गोटे गोटे सिलेक्शन तथा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन अटे जोटा कि तुमको परीक्षा आसवर बहुत संभावना रही अच्छे। एथप तुमको जहाँ सब भी कहूँ तुम्हें नोट करके लिखी नहीं थो कहीं तुमको परीक्षा जितेबाला आसव से परीक्षा टाइम नोटटी बहुत सहायता कर मो कथा तुम्हें समस्ते बुझीपना। तो ये लम क्वेश्चन रो आंसर तुम्हें लिख पृथ्वी एकमात्र ग्रह जोठारे जीवन संभव आम पृथ्वीर जल स्थल वायुमंडल परिवेश अंतर्भुक्त। साधारण कथारे परिवेश कहले आम चारिपाखे सब पदार्थ और अवस्था को बुझाई थाए। मनुष्य चारिपटे घेरी होता पार्थिव रासायनिक जैविक वातावरण को परिवेश कहुए। परिवेश सुचारू रूपे जीवन धारण करने सजीव मानू जो सब प्राकृतिक उपादान उपर निर्भर करने को पड़े से गुड़िक चार भाग में विभक्त होता। प्रथमटी हो वायुमंडल, द्वितीय हूँ वायुमंडल, तृतीय हूँ अश्ममंडल व शिलामंडल और चतुर्थटी हो जैवमंडल। तो आम सर्वप्रथमें देखा वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी को घेरी रही विभिन्न स्तर गैसीय परिवेशनी को नहीं वायुमंडल गठित एवं गैस गुड़िक है जबक्षारजान 78%, अम्लजान 21%, अंगारकाम्ल 0.03% आदि मुख्य अटंते। वायुमंडल पृथ्वी पृष्ठ रु 1000 किलोमीटर ऊर्ध पर्यंत यह परिव्याप्त बा रही अच्छे। चाप एवं तापमात्रार तारतम्य दृष्टि वायुमंडल को 4टी मंडल व स्तर में विभक्त करगुड़िक है जथा प्रथमटी हूँ ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड हूँ स्ट्राटोस्फीयर, थर्ड हूँ आयोनोस्फीयर एवं फोर्थ हूँ एक्सोस्फीयर। तो यहाँ वर्तमान आम गोटी गोटी करी विस्तृत भाव में आलोचना करवा। तो सर्वप्रथम आम देखा ट्रोपोस्फीयर ना ट्रोपोस्फीयर कहले कौन यह वायुमंडल निम्नतम स्तर एवं पृथ्वीर ठीक ऊपर को यही स्ट्रोपोस्फीयर अवस्थित। यह मेरु अंचल 8 रु 10 किलोमीटर उच्चता पर्यंत एवं विषुव अंचल 16 रु 18 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत। यही स्तर में झड़ वर्षा बादल एवं तुषार आदि सृष्टि होता है तेणु यह पानीपागर स्तर बोली कहुए। तो यहाँ तुमको गोटे सर्ट क्वेश्चन आसीपे जे क्यों स्तर को पानीपागर स्तर बोली कहुए। जीवन पर यह वायुमंडल सबुठ गुरुत्वपूर्ण स्तर अटे जहाँ जो कि पानीपाग और जलवायुर परिवर्तन होता है। यार उपरी भाग में ट्रोपोपोज नामक एक पतला बलय अच्छे। तापर आम नेक्स्ट देखा स्ट्राटोस्फीयर ना स्ट्राटोस्फीयर कहले कौन यही स्तर टी स्ट्रोपोस्फीयर ठीक ऊपर को अवस्थित। यह पृथ्वी पृष्ठ 50 किलोमीटर उच्चता पर्यंत रही अच्छे। एठार उच्चता अनुसार तापमान वृद्धि घटे जहाँ को नेगेटिव लैप्स रेट कहा जाए।
एठारे ओजन ग्यास रही या क्षतिकार अति बैगुणी रश्मि को शोषण करें तेणु यह पृथ्वी रक्षा कवच बोली कहुए तो एठारे तुमको को गोटे सर्ट क्वेश्चन आसीपे जे क्या पृथ्वी रक्षा कवच बोली कहुए यार उपरिभाग में स्ट्राटोपोज नामक एक पतला बलय रही अच्छे तापर आम नेक्स्ट स्तर देखा आयोनोस्फीयर यह स्तरटी वायुमंडल तृतीय स्तर यह पृथ्वी पृष्ठ प्राय 500 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत उच्चता वृद्धि जो स्तर तापमात्रा वृद्धि घटी थाए सूर्य उत्ताप हेतु एवं बाष्प अणुगुड़िक विभाजित हो वैद्युतिक चार्जुक्त कणिका बा आयन में परिणत होइथाए फल रेडियो दूरदर्शन बेतार संजोग एवं मोबाइल फोन मध्य आयन कणिका जो संभवपर हो पारे तापर आम नेक्स्ट देखा एक्सोस्फीयर यह स्तरटी थर्मोस्फीयर उपरी भाग में अवस्थित वायुर सांद्रता आधार अति कम थाए यह स्तर ही महाकाशर बाह्य स्तर आरंभ वायुमंडल प्राय 300 किलोमीटर ठार 32,900 किलोमीटर पर्यंत यह विस्तृत तो ये गुड़िक सबू हूँ वायुमंडल विभिन्न स्तर और उपादान तो आज आम ये आलोचना करें प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टार जोटि तुमको कंपलसरी सब्जेक्ट ईसीसी वन एनवायरमेंटल स्टडीज प्रथम चैप्टर जोटा कि रही होती वायुमंडल संबंध में तो तुम ये वायुमंडल संबंध में या गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और तार आंसर आज वीडियो माध्यम से खूब सहज सरल और ओडिया भाषा आलोचना करें आशा करे ये वीडियो टी तुमको निश्चित भल लगी जदि वीडियो टी भल लगी थाए तेबे निहाती गोटे लाइक करदे और चैनल को जदि नुआ हो नुआ हो देखुंते एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेज आग को यह शैक्षिक वीडियो देखापी आमर यह यूट्यूब चैनल आर्किड ऑफिशियल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे एवं सब्सक्राइब करने सहित ये भिडियोटी निज सांगसाथी को निश्चित शेयर करदे जहाँफल कि तुम सांगसाथी मैंने किसी शिक्षालाभ करें आपण मानक केिडियो दरकार आम कमेंट सेक्शन में निहाती कमेंट करेंगे जहाँफल कि मुझ तुमको से प्रकार भिडियो देपारि तो आज ये जय हिंद जय भारत लव यू ऑल बाय बाय एंड टेक केयर।